सादिक ने ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दे। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला भी तभी पेश कराओ आज भाई। अभी मंजूर साहब की भी फरमाइश है वो पेश कर। लीजिए था लीजिए कटे की फरमाई कि न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है वदीमा वदीमा। जीवन का बीमा मुझे रनवे की ख्वाहिश पता है वदीमा। बेगम ये कह रही है कि अमरीका ही चलो, लीडर तो वादा करते जबानी चला गया। इस मुल्क में रहा नहीं जीने का हौसला, बिजली चली गई कभी पानी चला गया। ऐलान करके मैं सर महफिल जलाऊंगा, आया है जो हजार का वो बिल जलाऊंगा। सोचा है इस तरह करूं खर्चे पे कंट्रोल, बिजली के दाम बढ़ गए मैं दिल जलाऊंगा। सोचा है इस तरह करूं खर्चे पे कंट्रोल, बिजली के दाम बढ़ गए मैं दिल जलाऊंगा। मैं उनका उन्वान है हटाने का। उस शहर में आया कहीं से बेचारा गरीब, जिसके नंगे जिस्म को थी फटी नकर लती। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारों को वकार। जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कोई जेल को पकड़ा गया। चलते चलते रहा मैं अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी गिर गई। ऐसा किसी आया वो यकतरफा हताएं देख कर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देख कर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आत्मा के सिर की नकल पेट कर, या खुदा करता हूँ कच्चे बिल्ले में आप तू दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा पटा नकल। देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर। बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाते का। देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर। बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जला देगा थकर। लंकर उमारे मुल्ला जी की बीवी का जवाब। धूम के साथ चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हो गए, अपने किस्मत की बुलंदी देखकर लादा हो गए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायदा उसने दिया, अपने शोहर की नजर का जायदा उसने दिया। चार किले खास कमरे में नजर आए उसे, 3 किलो पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये अतिये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ऐ मेरी प्यारी दुल्हन, ऐ आफ्ताब महताब, बेगमाते साबिका जो इस जहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार है दिलनशी। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी ऐ जादो जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी ऐ जादो जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा।